नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की इंग्लिश की संयुक्त क्लास हम आपकी करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे इसकी क्लास नंबर जो है वो 12। आज का हमारा टॉपिक होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे पहले हमने क्लास नंबर 11 देखी थी, जिसमें आर्टिकल ए एन द जो है उसको हमने पूरी तरीके से समाप्त कर दिया था। पिछला वाला पार्ट आपने नहीं देखा है, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। और कंप्लीट प्लेलिस्ट इंग्लिश की सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर दोनों की ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो बेसिक समझते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। तो अगर मैं आपसे कहूं कि किसी भी की कही कही कोई बात है, तो उसको हम दो तरीके से बता सकते हैं। पहला तरीका क्या हो सकता है? पहला तरीका यह हो सकता है कि हम कहने वाले जो शब्द होते हैं या बात होती है, उसको दूसरे व्यक्ति को जैसे कि तैसे बता दें, जैसे कि एक पर्सन ने बताया सेम वैसे ही हम बता दें। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका ये हो सकता है कि कहने वाले जो शब्द होते हैं उसको हम दूसरे व्यक्ति को अपने शब्दों में कहें या उसका अर्थ जो है समझ कर बता दें। तो यह दूसरा तरीका हो सकता है। फिर से मैं इस बात को रिपीट कर देता हूँ। जैसे मैंने आपको कुछ कहा कि ये जो है जाकर किसी सर को बता दीजिएगा, तो दो तरीके हो सकते हैं कि मेरे द्वारा कही गई बात आप जिन भी सर की बात हो रही है उनको डायरेक्ट जाके वही एकदम बता दें। और दूसरा तरीका यह हो सकता है कि आप अपने शब्दों में उसको जाकर बता दें, ये समझ गए हैं आप सारी चीजें, उसको अपने शब्दों में बता दें। और शर्त क्या है? शर्त यह है कि जो दूसरे शब्दों में आप कहेंगे उसमें आपका अर्थ बिल्कुल भी नहीं बदलना चाहिए, ये नहीं कि आपने अर्थ ही बदल दिया। तो इसी हम को क्या नाम से जानते हैं इंग्लिश में? तो इनडायरेक्ट के नाम से जानते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच, जिसमें हम चीजों को अपने अकॉर्डिंग जो है वो समझ कर बता देते हैं और अर्थ नहीं बदलना चाहिए। और डायरेक्ट जो हम मैंने बात की उसे हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच, जिसमें जैसे का तैसा जो मैंने आपसे कहा डायरेक्ट आप वही चीज जो है वो बता दें। अब एक एक एग्जाम्पल लेते हैं दोनों का। रूल रेगुलेशन में बाद में बात करूंगा, मैं एकदम बेसिक से चल रहा हूँ कि आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है तब से आपको समझना है। तो डायरेक्ट स्पीच जो है इसका एग्जाम्पल आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम गोइंग टू सिनेमा नाउ। ये आपका सेंटेंस हो गया और जो इन्वर्टेड कॉमा आपने स्टार्ट किया था वो आप फुल स्टॉप के बाद बंद भी जो है वो कर देंगे। तो ये आपका एक डायरेक्ट स्पीच का उदाहरण है। और जब हम इसे चेंज करते हैं किसमें? इनडायरेक्ट में। तो किस प्रकार से चेंज करते हैं मैं पहले लिख देता हूँ, फिर क्या क्या चीजें आपको इसमें गौर करनी है उसको समझिए। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के आप यहाँ पर दैट लगा दीजिए, फिर दैट के बाद आपका आई का चेंज होके ही हो जाएगा, फिर आप वॉज लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब चेंज होके, फिर आपका गोइंग टू सिनेमा, इस प्रकार से आपका बनेगा। अब आप इसमें देखें क्या क्या सारी चीजें चेंज हुई हैं। तो सबसे पहले आपने नोटिस किया होगा कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में इससे पहले जो सेंटेंस था वो बाद में था, उसको जोड़ने के लिए हमने यहाँ पर दैट का यूज किया है, यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ यूज किया जाता है। दूसरी चीज आपने क्या नोटिस की यहाँ पर कि जो आई है वो चेंज हो गया है ही में, यानी आपने ये भी नोटिस किया कि आपका जो प्रोनाउन होता है वो भी चेंज होता है यहाँ पर, जिसे हम सर्वनाम जो है वो हिंदी में कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर आई जो है वो ही में चेंज हो गया है। तीसरी चीज आप यहाँ पर नोटिस करेंगे वो है टेंस को लेकर। यहाँ पर आई एम हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, एम आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है सबसे पहले, इसीलिए मैंने टेंस पढ़ा दिया था ताकि ये सभी टॉपिक जो है आप आसानी से समझ जाएं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है आपका इज एम आर लगती है हेल्पिंग वर्ब, ये चेंज हो रहा है वॉज वर्ब में, जो कि आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है उसमें हेल्पिंग वर्ब होती है। तो आपने फिर क्या नोटिस किया कि यहाँ पर जो आपका टेंस है वो भी जो है वो बदलता है। और यहाँ पर मैंने नाउ जो है उसका देन नहीं लिखा, ये भी मैं लिख देता हूँ, ये भी आपका नाउ जो है वो देन में चेंज हो जाता है। ये सारी चीजें आप चेंज देख रहे हैं कि कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय आपको इन सारी चीजों का ध्यान जो है वो रखना है। और सेड के साथ अगर टू लगा है वो भी आपका चेंज होता है, तो उसको भी हम देखेंगे। तो अब समझते हैं सारी चीजों को। तो सबसे पहले इसी वाले सेंटेंस को ऊपर वाले को देख लीजिए, तो जो आपका इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखा है इसे हम जानते हैं किस नाम से? रिपोर्टेड वर्ब के नाम से।
शॉर्ट में मैंने आर भी लिख दिया है, रिपोर्टेड वर्ब के नाम से जानते हैं, और जो भी आपका इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है इसे हम रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जानते हैं। तो आप जब इसको करेंगे तो यही कहेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना है या रिपोर्टेड वर्ब में चेंज करना है, इस प्रकार से पर्टिकुलर उतने भाग को आप ये नाम देंगे। नीचे वाला ये मैं सेंटेंस जो है वो रफ कर देता हूँ, उसके बाद जो है आपको पर्सन जो है वो बता देता हूँ, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जिससे कि आपको और सारी चीजें यहाँ पर समझ में आए। तो आपका फर्स्ट पर्सन की अगर बात करें तो फर्स्ट पर्सन में आपका क्या आता है, मैं केवल फर्स्ट लिख देता हूँ, फर्स्ट पी, सेकंड पी, थर्ड पी, तो ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पी में, फर्स्ट पर्सन में आपका आई आता है और वी आता है, सेकंड पर्सन में आपका यू आता है, और थर्ड पर्सन में आपका ही, सी, दे, या कोई नाम हो गया या एनी नेम आप लिख सकते हैं, ये सभी आपके जो है वो आते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा क्योंकि जब मैं चेंज करने के लिए यहाँ पर बताऊंगा तब आपको ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप समझिए इसको, फर्स्ट पर्सन को, फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई वी, यानी कि डायरेक्ट स्पीच जो है इसमें अगर आपको आई लिखा हो या वी लिखा हो, आई लिखा हो या वी लिखा हो, किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में, देखिए इसी को बदलना है तो इसी में आप देखेंगे ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ये आपको समझना है। तो ये आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज होता है, यानी कि अगर सब्जेक्ट आपका यहाँ पर जैसे कि ही दे रखा था तो उसी के अकॉर्डिंग चेंज होकर ही तो आपका आया था, जब मैंने बताया था ही सेड दैट, आई का आपका चेंज होकर ही हो गया था, तो ही वॉज, और उसके बाद आगे हम बात करेंगे क्योंकि अभी तो हम केवल फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे हैं, तो ही आपको वहां से आप समझ जाएंगे। अब बात करते हैं सेकेंड पर्सन जो है इसकी, सेकेंड पर्सन में आपका क्या आ रहा है, यू आ रहा है, तो यू की अगर बात करें तो इसको जो है आप रिपोर्टिंग वर्ब जो है इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार जो है वो बदलते हैं। जैसे यहाँ पर ही सेट दे रखा है और यहाँ पर और भी दे रखा होता तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप जो यू होता है उसको जो है वो चेंज करते हैं। कहने का मतलब यही होता है कि वो आपका सिंगुलर है तो उसी के आधार पर सिंगुलर आप रखते हैं, इसी प्रकार वो प्लूरल है तो आपका प्लूरल। अब थर्ड पर्सन की बात करें तो इसको रिपोर्टिंग वर्ब इसमें क्या क्या आता है, ही, सी, दे या कोई नाम, तो ये अगर बात करें तो रिपोर्टिंग वर्ब जो है इसमें कोई भी बदलाव जो है वो नहीं होता है, या आप ये भी लिख सकते हैं नो चेंज, नो चेंज। तो ये हमने बेसिक चीज जानी किसके बारे में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये तो आपने समझा यहाँ पर जो भी लिखा होता है सब्जेक्ट किसका, रिपोर्टिंग स्पीच का, उसे कैसे चेंज करते हैं। अब हम दूसरे नंबर पर चल रहे हैं जो कि आपका यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दे रखी थी ये, यानी आप क्या कह सकते हैं कि जो पूरा टेंस चेंज होता है वो किस आधार पर चेंज होता है, सारी चीज मैं रफ कर देता हूँ उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि कौन किस में जो है वो चेंज होता है। तो सबसे पहले आप क्या कहेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैंने पहचान सभी की बताई थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहचान आपको नहीं याद रखनी है, आपको क्या याद रखना है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो कौन सी लगती है। तो हेल्पिंग वर्ब आपकी डू या डस लगती है, आपको याद होगा क्योंकि सबसे पहला ही टॉपिक था मेरा इसी टेंस पर आधारित, तो सभी टेंस के मैंने सारे रोल जो है वो बता दिए थे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है, तो पास्ट इंडेफिनिट में ही जो है आपका चेंज होता है, शॉर्ट मैंने इंडेफिनिट का लिख दिया है, और पास्ट इंडेफिनिट जो है इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो डिड जो है इसकी होती है। इसी प्रकार बात करें दूसरे की तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की अगर बात करें तो आप क्या कहेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो है इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर, ये होती है, इसे आप किसमें चेंज करेंगे, इसे आप चेंज करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए प्रेजेंट का इंडेफिनिट का था तो उसी का ही इंडेफिनिट का ही जो था उसमें पास्ट में चेंज कर दिया गया, सेम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस कर दिया, समझ रहे हैं आप, कुछ और ऐसा कठिन इसमें नहीं है, ऐसा ना समझिएगा कि अरे इतना कठिन है ये वो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती है, पास्ट की वॉज वर होती है, तो मैं यहाँ पर वॉज वर लिख भी देता हूँ।
इन सबको याद करते हुए चलिए, क्योंकि अभी मैं आगे जब सेंटेंस कराऊंगा तो यहाँ पर सारी चीजें बताऊंगा कि कैसे चेंज हो रहा है। इसी प्रकार अगर बात करें प्रेजेंट परफेक्ट की, तो जल्दी से बताइए हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो आप क्या कहेंगे? हैज हैव होती है। और हैज हैव किसमें चेंज होगा? तो प्रेजेंट परफेक्ट है तो किसमें चेंज होगा? जैसे ऊपर चेंज हो रहा है तो कहेंगे आप पास्ट परफेक्ट में जो है वो चेंज होगा। और पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब जल्दी से बताइए, तो आप क्या कहेंगे? पास्ट परफेक्ट में हैड जो है आपका लगता है। ठीक है, इतना हो गया। अब चौथा कौन सा आपका आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और टेंस। शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? तो आप क्या कहेंगे? हैज बीन होती है, या क्या कहेंगे? हैव बीन होती है। अब इसको किसमें चेंज करेंगे आप? तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो यहाँ पर बस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, तो पास्ट लिख देते हैं, बाकी सारी चीजें आप समझ जाएंगे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और टेंस। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसकी? तो आप क्या कहेंगे? हैड बीन जो है इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, ये आपके क्या हैं? सिंपल सिंपल जो चेंज हो रहे हैं वो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में टेंस में चेंज हो रहा है। अब थोड़े से जो टेक्निकल हैं उनको आपको याद रखना है। इन सबको मैं रफ कर देता हूँ और फिर से जो है यहाँ पर लिख देता हूँ। और वीडियो आपको अगर पसंद आ रहा हो, चीज़ें सब समझ में आ रही हो, तो वीडियो को क्या करना है? लाइक करना है। तो बस वीडियो को लाइक करते जाइए और चीज़ों को समझते जाइए। अब यहाँ पर जो मैं टेंस लिख रहा हूँ इनको आप खास कर याद रखिएगा, क्योंकि वहां पर तो सिंपल सिंपल चेंज हो रहे थे तो उससे आप समझ सकते हैं। मैंने क्या बताया था? प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो किसमें चेंज होता है? पास्ट इंडेफिनिट में होता है। पर अगर पास्ट इंडेफिनिट में ऑलरेडी हो तो किसमें चेंज होता है? पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डिड, और चेंज किसमें होगा? तो ये पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका एकदम अलग रहता है, और ये इसकी हेल्पिंग वर्ब आपकी हैड जो है वो होती है। पास्ट इंडेफिनिट में अगर दे रखा है तो आपका पास्ट परफेक्ट में जो है वो चेंज होगा। इसी प्रकार अगर बात करें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, मैंने आपको क्या बताया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होता है, पर अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ही है यानी कि वॉज वर्ब में है आपकी हेल्पिंग वर्ब, तो किसमें चेंज होगी? आप कहेंगे पास्ट परफेक्ट, ऊपर ही लिखा हुआ है कॉन्टिन्यूअस टेंस, और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैड बीन होती है। मेन आपको यही ध्यान रखना है हेल्पिंग वर्ब की, वॉज वर्ब दे रखा है तो हैड बीन में चेंज होगा, डिड दे रखा है तो हैड में चेंज होगा। ये दोनों हो गई। अब दो आपकी ऐसे होती हैं जो किसी में भी नहीं चेंज होती हैं, वो कौन कौन सी हैं? तो एक आपका होता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में अगर आपका दे रखा है सेंटेंस में हैड दे रखा हैड हेल्पिंग वर्ब होती है, तो आप क्या कहेंगे? इसमें किसी भी प्रकार का चेंज जो है वो नहीं होगा, नो चेंज। और इसी प्रकार एक और होता है, वो क्या होता है? वो होता है आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी अगर बात करें तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? तो आप कहेंगे हैड बीन होती है, और चेंज किसमें होगा? तो आप क्या कहेंगे? इसमें भी आपका कोई चेंज नहीं होता है। ठीक, इतनी सारी चीजें समझ में आपको आई? ये सभी थे जो कि आपके टेंस से संबंधित थे। कुछ वर्ड भी होते हैं उनको भी हम देखते हैं, आप चाहें तो इनको अलग से नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि राइटिंग इतनी अच्छी है नहीं, क्योंकि स्पीड में मैं लिख रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप मेहनत कीजिए, खुद के नोट्स बनाइए, ताकि एग्जाम टाइम में आप क्या करें, अच्छे से उसको रिवाइज कर सकें। अब मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पर जो बाकी बचे होते हैं जो टेंस में नहीं आते हैं, जैसे कि आपका विल दे रखा है, विल वैसे हेल्पिंग वर्ब आपकी होती है, किसकी होती है? फ्यूचर टेंस की होती है। तो विल आपका चेंज किस में होता है? तो वुड में हो जाता है, और वुड आपका एक हिसाब से आप कह सकते हैं कंडीशनल में आता है, विल का वुड हो जाता है। इसी प्रकार शैल की अगर बात करें तो ये आपका शुड में चेंज हो जाता है। इसी प्रकार कैन दे रखा है तो ये कुड में चेंज हो जाता है। इसी प्रकार मे दे रखा है तो माइट में चेंज हो जाता है।
और मस्ट दे रखा है तो मस्ट या हैड टू में चेंज हो जाता है, या हैज टू हैव टू दे रखा है तो हैड टू में चेंज हो जाता है। इस प्रकार से कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए, और इन सबको नाम से भी जाना जाता है, जिसको नहीं पता वो भी मैं बता दूंगा। तो इनको मॉडल वर्ब के नाम से जो है वो जाना जाता है, मॉडल वर्ब के नाम से जो है वो जाना जाता है। अब कुछ वर्ड भी ऐसे होते हैं जिनको चेंज करते समय वो बदल जाते हैं, जैसे कि आपका अगर दिस दे रखा है तो ये चेंज हो जाता है किसमें, दैट में चेंज हो जाता है। अगर आपका दिस डे दे रखा है, दिस के साथ साथ अगर डे दे रखा है तो आप क्या कहेंगे, दैट डे हो जाएगा। ये आपका समझ में आपको आया होगा। इसी प्रकार दीज दे रखा है, TH E S E, दीज दे रखा है तो दोज में चेंज हो जाता है, TH TH O S E, तो दीज डेज के साथ दोज डेज चेंज हो जाएगा। इसके अलावा जैसे कि हेयर दे रखा है तो आप क्या कहेंगे, हेयर का देयर में जो है वो चेंज हो जाता है। इसी प्रकार अगर आपका नाउ दे रखा है, टुडे दे रखा है, यस्टरडे दे रखा है, तो आप कैसे कैसे चेंज करेंगे, नाउ को चेंज करेंगे तो देन हो जाएगा, टुडे को चेंज करेंगे तो दैट डे हो जाएगा। ये सब आपको याद होने चाहिए, ऐसे आप याद नहीं करेंगे तो पेपर में गलत कर देंगे। यस्टरडे का क्या हो जाएगा, द डे बिफोर होता है, क्योंकि यस्टरडे जो बीता हुआ कल होता है उसकी बात की जाती है, जब आने वाला कल होता है तो उसके लिए टुमारो यूज किया जाता है। तो टुमारो के लिए हम द नेक्स्ट डे लिख सकते हैं, जैसे यस्टरडे है द डे बिफोर, या द प्रीवियस डे भी लिखा जाता है। और क्या आप कह सकते हैं, जैसे कि लास्ट नाइट, तो लास्ट नाइट को आप चेंज कर सकते हैं किसमें, द नाइट बिफोर में। इसी प्रकार आपका जैसे कि टू नाइट हो गया तो दैट नाइट में आप चेंज कर सकते हैं, एगो हो गया तो बिफोर या अर्लियर आपका हो जाएगा। तो ये सभी आपके सिंपल चेंज करने वाले जो है वो वर्ड हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें हमने देखी जो आप सेंटेंस में चेंज कर देते हैं। अब हमारा क्या रह गया, जो मैंने बताया था आपको, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर आप दैट लिख देते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें आती हैं, पर इसको समझते हैं। तो दैट के संबंध में आप क्या कहेंगे कि जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है, जो कि आपका इन्वर्टेड कॉमा में रहता है, ये आपका अगर एक असर्टिव सेंटेंस है, तीन टाइप के होते हैं मैंने बताया था, असर्टिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव, यानी कि एक साधारण, एक नकारात्मक और एक प्रश्नवाचक। तो साधारण वाक्य अगर आपका असर्टिव सेंटेंस है इन्वर्टेड कॉमा में, तो हम क्या करते हैं, जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा है इसको हटाकर ये दैट का यूज जो है वो करते हैं। ये हो गई आपकी पहली चीज। दूसरी चीज आपको इसमें क्या ध्यान रखनी है, जैसे कि यहाँ पर मैंने अभी बताया था कि रिपोर्टिंग जो वर्ब है उसमें सेड वर्ड आता है, तो उसकी जगह और भी वर्ड आते हैं, जैसे कि आपका लिखा हो सकता है से हो गया, यानी कि SAY, या आप कह सकते हैं सेज हो गया, SAYS, या आप कह सकते हैं सेड ही केवल है। तो ये सभी आपको देखने को मिलते हैं, और भी देखने को मिलते हैं, पर हम बेसिक से समझ रहे हैं। तो ये अगर देखने को मिले और साथ ही साथ इन्वर्टेड कॉमा में आपका एक असर्टिव सेंटेंस है, तो आपको ये देखना है कि जो भी आपका ये आ रहा है सेज या सेड, इसके बाद क्या कोई ऑब्जेक्ट जो है वो आ रहा है। अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो आ रहा है, तब आप क्या करेंगे, इसे बदल देंगे। तो आप इसे किस में बदल सकते हैं, टेल में बदल सकते हैं, या टेल्स में बदल सकते हैं, या सेड करके दे रखा है और साथ में ऑब्जेक्ट भी है तो आप टोल्ड में जो है वो बदल सकते हैं। और सेड के साथ केवल सेड नहीं लिखा रहता है, टू भी लगा रहता है, तो सेड टू अगर आपका लिखा है तो आप क्या कहेंगे, टोल्ड में जो है आप बदल देते हैं, ऑब्जेक्ट भी आपका दे रखा हो। इसी में ये भी शर्त होती है कि अगर ऑब्जेक्ट ना दे रखा हो तब आप क्या करते हैं, ऐसे ही लिखे रहने देते हैं सेज या केवल और केवल सेड। जैसे मैं अगर आपको यही सारी चीजें एक एग्जाम्पल के जरिए बताऊं, कि जैसे रोहन सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम वेरी हैप्पी, ये आपका जैसे कि एक सेंटेंस हो गया इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। आप क्या करेंगे, यहां पर देखेंगे ये आपका सब्जेक्ट है, ये क्या है, सब्जेक्ट है सेज जो है, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर देखिए कुछ नहीं दे रखा है, तो नहीं दे रखा है तो
तो आप क्या कहेंगे, जो सेज है इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको ऐसे ही रखे रहने देंगे, इसे आप टोल्ड या टेल्स या टेल इन सब में से किसी में भी जो है वो नहीं तोड़ेंगे, यानी कि नहीं बदलेंगे। तो यहाँ पर आपका सेंटेंस क्या बनेगा, रोहन सेज का सेज ही रहेगा आपका, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आपको मैंने क्या कहा अंदर असर्टिव सेंटेंस है, आई एम वेरी हैप्पी है, तो इसको हटाकर आप यहाँ पर दैट जो है वो लगाएंगे। फिर आप क्या करेंगे, आई एम वेरी हैप्पी है, मैंने क्या बताया था आई आपका किस पर्सन में आता है, तो आई वी आपका फर्स्ट पर्सन में आता है, जो कि आपका चेंज होता है किसके, जो रिपोर्टिंग, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच है। तो मैंने क्या बताया था कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका आई जो है यानी कि फर्स्ट पर्सन चेंज होता है। तो यहाँ पर आई आपका रोहन के अकॉर्डिंग चेंज होगा, रोहन क्या है आपका ही है, सी तो है नहीं, एक लड़के का नाम है तो ही है और सिंगुलर भी है, तो उसके लिए आप किस क्या चेंज यूज करेंगे, यहाँ पर ही यूज करेंगे, तो रोहन सेज दैट ही। फिर आप क्या देखेंगे, आई एम वेरी हैप्पी है, तो एम क्या है आपकी हेल्पिंग वर्ब है, किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, कौन सा टेंस है यहाँ पर, तो आप कहेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, कौन सा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपका इज एम आर हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है यानी कि यूज होती है। अब चेंज आप इसमें किसमें करेंगे, तो मैंने क्या कहा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वॉज वर्ब होती है, तो ही के अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी, ही आपका क्या है सिंगुलर है, तो ही के साथ आपका वॉज होगा, अगर यहाँ पर प्लूरल होता तो यहाँ पर वर यूज होता, तो रोहन सेज दैट ही वॉज। आगे आपका इसी प्रकार वेरी हैप्पी जो है वो हो जाएगा। अब देखिए एक और सेंटेंस लेते हैं जिसमें से टू लिखा हो उसको टोल्ड में आपको चेंज करना हो उसको लेकर, और एक चीज मैं आपको उसको देखने से पहले एग्जांपल से देखने से पहले एक चीज और बता दूं कि रिपोर्टिंग वर्ब होता है आपका और रिपोर्टिंग स्पीच होता है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच जो कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में रहती है उसमें किसी भी प्रकार का आपका कोई यूनिवर्सल ट्रूथ लिखा हो, जैसे हम कहते हैं ना कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती, तो आप कहिए क्या है एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, या आप कह सकते हैं जनरल ट्रूथ दे रखा हो, कोई नेचुरल लॉ दे रखा हो, तो ऐसे आपके जो प्राकृतिक नियम वाले वाक्य होते हैं उसमें आपका किसी भी प्रकार का कोई चेंज जो है वो नहीं होता, तो आप क्या कह सकते हैं नो चेंज, उसको आप वैसे का वैसे ही जो है वो उतार देंगे। अब बात करते हैं उस एग्जाम्पल की जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उस एग्जाम्पल से आपको और ज़्यादा अच्छी तरीके से चीज़ें क्लियर होंगी। एग्जाम्पल है आपका कि सुशील सुशील की स्पेलिंग मेरे ख्याल से एच से स्टार्ट होती है, एस एच एस फिर एच सुशील, हाँ ये सही होना चाहिए, और कुछ लोग एच भी लगाते हैं, एस एच यू सुशील, एस एच डबल ई एल होगा, अब ज्यादा सही है, सुशील टोल्ड मी। अच्छा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट ही देखते हैं क्योंकि अभी एक ही तरफ से चीजों को देख रहे हैं तो उसी आधार पर देखते हैं, सेड टू लिखते हैं इसको, सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा फिर आपका आई वॉज गोइंग टू स्कूल टुडे फुल स्टॉप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब आप क्या देखेंगे सबसे पहले कि यहाँ पर जो सुशील है वो सब्जेक्ट है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट दे रखा है आपका, देखिए जैसे मी दे रखा है, ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, यही चीज मैंने बताई थी कि जो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, जो कि आपका रिपोर्टिंग वर्ब होती है और रिपोर्टिंग ये स्पीच होता है। तो आपका आप सेंटेंस क्या बनेगा उसे समझिए, सबसे पहले तो आपका सब्जेक्ट यूं ही आ जाएगा, आप क्या लिखेंगे सुशील, सेड टू आपका मैंने क्या कहा था कि उसके बाद ऑब्जेक्ट हो तो किस में चेंज होता है टोल्ड में चेंज होता है, तो सेड टू का चेंज हो जाएगा टोल्ड में। उसके बाद यहाँ पर मी लिखा हुआ है तो ये आपका मी ऐसे ही रहेगा, आई आपका चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग आपका सब्जेक्ट के रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहाँ पर सुशील दे रखा है जो कि एक पर्सन है सिंगुलर है, तो उसके अकॉर्डिंग ही ये जो है वो
यूज होगा, सुशील टोल्ड मी। और एक चीज तो मैं यहाँ पर बताना भूल गया कि कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा भी तो आपका है, तो ही से पहले आपका क्या यहाँ पर आएगा, दैट आएगा। और दैट क्यों आएगा, क्योंकि जो अंदर आपका सेंटेंस दे रखा है ये एक असर्टिव सेंटेंस है, आई वॉज गोइंग टू स्कूल टूडे, उसके बाद आई का तो मैंने बता ही दिया, चेंज होने के बाद ही आएगा। अब आपको टेंस पे जाना है, वॉज वर्ब किसमें आता है, आप क्या कहेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है, किसमें चेंज होता है, मैंने अभी सब लिखे थे, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज होता है, यानी कि जो वॉज है वो आपका हैड बीन में चेंज होगा। इसीलिए मैंने कहा था कि उनको आपको याद बहुत जरूरी करना है, और इसीलिए टेंस भी मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा दिया था कि सभी की आपको हेल्पिंग वर्ब एकदम पता होना चाहिए, हर जगह आपको हेल्प करेगा। तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा, हैड बीन, और उसके बाद आप लिखेंगे गोइंग टू स्कूल। अब यहां से फिर से समझिए, टुडे दे रखा है, मैंने क्या कहा था, जब टुडे दे रखा हो उसको चेंज करते हैं तो आपका दैट डे में चेंज हो जाता है। तो इतनी छोटी छोटी सी चीज आपको याद रखनी होगी, ऐसा ना कि जल्दी में आप टुडे को टुडे ही लिख लिख के चले हैं तो आपका एक नंबर का होगा सेंटेंस तो कहो आधा नंबर मिले। तो ये सारे जो रूल हमने देखे वो किसके लिए हैं, वो है आपका असर्टिव सेंटेंस के लिए। समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं किस पर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। इसको समझिए, इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं यानी कि जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उनके रूल आपके अलग होते हैं। जनरल रूल की बात करें तो आपका सबसे पहले हम क्या देखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब में। अभी तक आप क्या देख रहे थे, आपका से लिखा है या सेड लिखा है, तो अब अगर इंट्रोगेटिव आपका सेंटेंस होगा रिपोर्टिंग स्पीच में तो ये से की जगह आपको क्या लिखा देखने को मिलेगा, आस्क लिखा देखने को मिलेगा, या इंक्वायर, इंक्वायरी वर्ड होता है उसी का इंक्वायर वर्ड जो है वो लिखा देखने को मिलेगा, या आप कह सकते हैं वॉन्ट टू नो लिखा देखने को मिलेगा, या आप क्या कह सकते हैं वॉन्ट टू नो के अलावा जो, और ये चीज का भी समझिए ध्यान से कि ये जो सभी में वर्ड लिख रहा हूँ ये चेंज होने के बाद होंगे, लिखा तो आपका वहां पर सेड टू ही होगा, जैसे लिखा क्या होगा सेड टू, और इन्वर्टेड कॉमा में आपका किसी प्रकार का एक प्रश्नवाचक वाक्य लिखा होगा कि हाउ आर यू, तो यहाँ पर जो सेड टू लिखा होगा वो आपका चेंज होगा आस्क में या इंक्वायरी में या वॉन्ट टू नो में। ये आपके फिक्स नहीं है कि आप किस में चेंज करेंगे, ये इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे कि अगर कोई चीज नॉर्मली पूछी जा रही तो आप आस्क यूज करें, कोई इंक्वायरी की जा रही है प्रश्नवाचक में तो आप इंक्वायर का वर्ड यूज करें, ये सारी चीजें। तो ये हो गई आपकी पहली चीज इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस से संबंधित। दूसरी चीज ये ध्यान रखना है कि कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा अभी तक आप हटा रहे थे जब आपका असर्टिव सेंटेंस था तो दैट का यूज कर रहे थे, पर यहाँ पर आपको दैट यूज नहीं करना है, आपको इफ यूज करना है या वेदर यूज करना है। क्या यूज करना है, इफ या वेदर का यूज जो है वो करना है। और इसके साथ साथ एक और इसी में आप रूल को ऐड करेंगे कि यदि आपका जो आपका ये रिपोर्टिंग स्पीच है बाद वाली, इसमें आपका स्टार्टिंग डब्ल्यू से यानी कि जितने भी क्वेश्चन वर्ड है उनसे होती है, जैसे डब्ल्यू से आपका क्या हो जाएगा व्हाट हो जाएगा, या कह सकते हैं व्हेन हो जाएगा, या आप कह सकते हैं हाउ हो जाएगा, या आप कह सकते हैं वेयर हो जाएगा, ये सब आपके क्या है क्वेश्चन वर्ड है, या आपका हु हो जाएगा। तो अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच जो कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में आप लिखते हैं वो इस प्रकार के क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रही है तब दैट के स्थान पर आप इफ या वेदर का यूज नहीं करेंगे, इन्हीं क्वेश्चन वर्ड का ही यूज जो है वो करेंगे। इतनी केवल बातें हैं इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अब देखते हैं इसको हम एग्जाम्पल में, और भी सेंटेंस हैं आपके जैसे कि इंपरेटिव सेंटेंस जिसे हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस प्रार्थनावाचक वाक्य, और भी जो रूल रेगुलेशन थोड़े और हैं उन सभी को हम देखेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। इंट्रोगेटिव के हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक क्वेश्चन हम आपसे भी पूछेंगे, दो पार्ट में इसलिए हम देख रहे हैं कि किसी को कुछ चीज़ ना समझ में आए तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। लाइव टाइमिंग आपकी वही है कितनी, शाम के 8 बजे, तो आप लाइव आकर भी वीडियो देख सकते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल, पर नेक्स्ट वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल को देख लेंगे, डीएलएड वाले जो क्वेश्चन आ चुके हैं
प्रीवियस ईयर में उनको भी हम देख लेंगे। तो प्रश्न आपका क्या है, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आर यू एंग्री। और एक चीज आप सभी लोग बताइएगा कि पास्ट रिवीजन जो हम स्टार्ट करें वो किस सब्जेक्ट से करें, साइंस या सोशल साइंस, इसी में बताइए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट भी आएगा। इंग्लिश इतने दिन से आप पढ़ ही रहे हैं, मैथ भी इतने दिन से पढ़ ही रहे हैं, तो वो तो लगभग पूरी एक साथ हम करा ही चुके हैं मैथ और इंग्लिश। बाकी जो सब्जेक्ट हैं वो अधिकतर अपने आप से लिखने वाले हैं, मेन आपका साइंस और सोशल साइंस है। तो साइंस और सोशल साइंस में से कौन सा इसी समय शाम 8 बजे फास्ट रिविजन जो है वो स्टार्ट करें, जिसमें हम क्या करेंगे 3 से 4 वीडियो या ज़्यादा लेंदी होगा तो 5 से 6 वीडियो में पूरा पूरा कोर्स जो है वो कवर कर देंगे, जिससे आपको और कहीं से पढ़ने की आवश्यकता ना हो। 8 से लेकर Z तक जितना भी आपके कोर्स में, सब उस वीडियो में हम झोंक देंगे। तो देखेंगे कितने लोग साइंस से सहमत हैं और कितने लोग सोशल साइंस से, सभी लोग बताइएगा मेन कमेंट में। तो ही सेड टू मी आपका यहाँ पर हम आर यू एंग्री, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं आर यू एंग्री के बाद क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए इस प्रकार से, और ये इन्वर्टेड कॉमा में बंद है। अब यहाँ पर आपको वही सारे रूल लगाने, ही सेड टू मी है तो ही तो आपका ऐसे ही आ जाएगा। अब सेड टू चेंज किस में होगा, मैंने कहा जब अंदर वाला यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, या आप कह सकते कोई इंट्रोगेटिव जो है वो सेंटेंस है, तो सेड टू चेंज होकर किस में आएगा, आस्क्ड में आएगा। यहाँ पर देखिए आर यू एंग्री पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, आस्क्ड लिखेंगे। फिर मी को आप ऐसे ही लिख देंगे। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को मैंने कहा था हटा करके आई यूज करते हैं, इफ यूज करते हैं या वेदर यूज करते हैं। यहाँ पर आपको मैं दोनों ही लिख देता हूँ, इफ या वेदर, दोनों में से कौन सा यूज करते हैं तो कोई भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई इसका रूल जो है वो नहीं है। वैसे एक्चुअल में होता यह है कि सेंटेंस अंदर क्या लिखा हुआ है उसके सेंस के हिसाब से कौन सा फिट बैठेगा वो आपको यूज करना होता है इफ या वेदर में। अब यहाँ पर आर यू एंग्री लिखा हुआ है तो आपका जो आर दे रखा है इज एम आर, किसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है, आप कहेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जो है वो आती है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज किसमें होता है, तो आप क्या कहेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो आप कहेंगे वॉज वर्ब जो है वो होती है। अब यहाँ पर क्या होगा उसको देखने से पहले यू को भी चेंज कर लीजिए, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यू किस पर्सन का है, मैंने बताया था अभी कि यू आपका जो है वो सेकंड पर्सन में आता है, और चेंज किसके अकॉर्डिंग होता है, तो जो आपका ऑब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, मी ऑब्जेक्ट है, तो यू को आप मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो आपका आएगा आई, ये आपका आई यहाँ पर आएगा, इसको मैं रफ कर देता हूँ, यहाँ पर आपका क्या आएगा आई आएगा। और जो हेल्पिंग वर्ब चेंज करने को बताई थी वो मेरी क्या मैंने बताई वॉज आएगी, तो आई वॉज यहाँ पर आ जाएगा आई, और बाकी बचा तो आपका एंग्री, तो आई वॉज एंग्री जो है आपका सेंटेंस यहाँ पर बन जाएगा। ही आस्क्ड मी इफ वेदर या इफ आई वॉज एंग्री या वेदर आई वॉज एंग्री, इस प्रकार से आपका सेंटेंस होगा। एक चीज यहाँ पर समझने वाली ये भी है कि जो आई है यहाँ पर क्या था, यू था, इस यू को इस मी के अकॉर्डिंग कैसे चेंज किया गया कि यहाँ पर आई आया, तो इसका भी एक अलग चार्ट होता है। जैसे कि जो सेंटेंस में पूछा गया था उसी को लेकर मैं बता देता हूँ, तो जैसे कि आपका आई हो गया, माई हो गया, ये सब इसी के रूप हैं, माइन हो गया, मी हो गया या माई सेल्फ हो गया, इसी प्रकार ये आई के हो गए, और यहाँ पर क्या था, यू था, तो यू को लेकर आप क्या लिख सकते हैं, पहला यू हो गया और योर हो गया और योर्स हो जाएगा, और इस मी के अकॉर्डिंग आपका यू होगा और माई सेल्फ के अकॉर्डिंग आपका योर सेल्फ होगा, और योर सेल्फ के अलावा योर सेल्फ करके भी लिख सकते हैं, वाई ओ यू आर एस ई एल वी ई एस, ये आपके यहाँ पर हुए। अब आपको देखिए किसको चेंज करना था, यू को चेंज करना था, किसके अकॉर्डिंग, मी के अकॉर्डिंग चेंज करना था, तो यू के सामने आपका क्या आ रहा है, आई आ रहा है, इसीलिए आपका आई जो है यहाँ पर लिया गया है।
अब समझ में आपको आया होगा अच्छे से कि कैसे इसको चेंज करते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर सभी के लिए होता है, जैसे अगर मैं यहाँ पर यू के अलावा ही की बात करूँ तो इसका ही आ जाएगा, हिज आ जाएगा, फिर हिज में भी हिज आएगा, चौथे में हिम आएगा और पांचवे में हिम सेल्फ हो जाएगा। ये आपकी प्रोनाउन फैमिली होती है। इसी प्रकार अगर सी की बात करें तो सी आएगा, हर आएगा, हर्स आएगा, फिर यहाँ पर भी हर आएगा और लास्ट में हर सेल्फ आ जाएगा। इसी प्रकार अगर वी की बात करें तो वी के साथ आपका वी आएगा, योर का के साथ आपका अवर आएगा, योर्स के साथ आपका अवर्स आएगा, और यू के साथ आपका अस आएगा, और लास्ट में आपका अवर सेल्फ आ जाएगा। ये आपका प्रोसीजर जो है वो होता है। इससे आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम चेंज करते हैं। आप क्या करते हैं, एक क्वेश्चन वर्ड भी देख लेते हैं, उसका भी एग्जांपल, जिससे आपका ये जो पोर्शन है वो कवर हो जाए। जैसे कि आई सेड टू राहुल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट डू यू वांट, ये आपका क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ये आपका डायरेक्ट फॉर्म है, यानी कि मैंने राहुल से कहा कि तुम क्या चाहते हो। अब इसका क्या बनेगा, आई आपका ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पर आप अंदर क्वेश्चन वर्ड देख रहे हैं तो सेड टू आपका आस्क्ड में जो है वो चेंज हो जाएगा, राहुल आपका ऐसे ही आ जाएगा, राहुल जो है वो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो आपका व्हाट ही यूज होगा, यहाँ पर इफ वेदर का यूज नहीं होगा, क्योंकि मैंने कहा था कि रिपोर्टिंग स्पीच अगर आपकी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है, व्हाट हो गया, हाउ हो गया, इस टाइप से स्टार्ट है, तब आपका कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इफ वेदर नहीं लगता, यही व्हाट ही ऐसे ही यूज आपका होगा। फिर व्हाट डू यू वांट के जगह आपका क्या आ जाएगा, व्हाट डू यू वांट का जो यू है वो किससे चेंज होगा, आई के अकॉर्डिंग चेंज होगा, क्योंकि मैंने आपको नहीं आई के अकॉर्डिंग नहीं ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी कि राहुल के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यू आपका क्या है, सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है तो राहुल के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहाँ पर आपका चेंज होकर ही हो जाएगा, तो व्हाट और उसके बाद ही, और आगे क्या है वॉन्ट है तो इसका चेंज होकर वॉन्टेड हो जाएगा, यानी कि सेंटेंस आपका व्हाट ही वॉन्टेड जो है वो बन जाएगा। और साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे यहाँ पर डू लिखा हुआ है, डू तो डू आपकी हेल्पिंग वर्ब किसमें है, तो आपकी आती है किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनेट में डू डस आती है, और वो किसमें चेंज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट पास्ट इंडेफिनेट में चेंज होता है, तो पास्ट इंडेफिनेट में आपका डिड होता है, तो व्हाट डिड ही वांटेड यहाँ पर होना चाहिए, तो डिड भी साथ में आप जोड़ देंगे। इस प्रकार से आप सेंटेंस बना सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक प्रश्न मैं क्या करता हूँ आपसे पूछता हूँ और देखते हैं कितने लोग इसका सही जो है वो सेंटेंस बनाते हैं। तो जो सेंटेंस मैं आपसे यहाँ पर पूछ रहा हूँ वो पूछा गया था डीएलएड में ही, और सेंटेंस आपका क्या है, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा Why have you not done this work? फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। पूछा कब गया था वो भी मैं लिख देता हूँ, डीएलएड के 2017 के फोर्थ सेमेस्टर के पेपर में जो है ये पूछा गया था। एक और सेंटेंस था लेट वाला भी, पर यहाँ पर मैं एक ही आपसे पूछ रहा हूँ, तो आप सभी लोग ट्राई कीजिए। सारे रूल रेगुलेशन वैसे मैंने बता दिए इससे रिलेटेड, बाकी जो तो चीज़ें रह गई वो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, और नेक्स्ट वाले पार्ट में आपका ये टॉपिक भी जो है वो ख़त्म कर देंगे। तो आज वीडियो में इतना ही, आशा करते हैं वीडियो को अभी तक आप लाइक कर चुके हैं, फिर भी यदि अभी तक वीडियो को आपने लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, आपके लिए मैं इसी प्रकार अधिक से अधिक मेहनत करते रहूँ और एग्जाम की अंतिम तारीख तक इसी प्रकार आपके लिए जुटे रहूं। वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, चैनल पर नया आए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ भी अवश्य जाइएगा, ताकि आगे आने वाला कोई भी वीडियो आपसे जो है वो बिल्कुल भी मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस कर लीजिएगा कल वही शाम 8 बजे का, ताकि आप जो कल पढ़ाया जाए उसको और अच्छे से जो है वो समझ सके, इसलिए प्रैक्टिस अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।